about Dallas and make it hurt. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की शुरुआत हुई है हमारी चोरी से। रात के टाइम हम लोग लेट हो गए थे काम से, जाते जाते आपके लिए वीडियो भी बनानी थी इस वजह से। तो इन लोगों ने इनकी शक्लें याद कर ली है। बेईमान मजदूर नंबर वन ये बंदा और एक ये पीछे छुपा हुआ है ये बंदे चार पांच बंदे थे, इन्होंने सामान अंदर रखने की बजाय दुकान के बाहर रख दिया। वो कोई उठाकर ले चुका लेके जा चुका है। इन्होंने जो कल दिहाड़ी लगाई है वो आज हम इनकी दिहाड़ी काट लेंगे। ये आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया, इन्होंने मार दिया, बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठेकेदार ने तो दिहाड़ी काट ली भाई, बढ़ गया तो पैसे अपने पूरे कर लिए, बढ़ गया। अब ये लोग रो रहे हैं। तो चलो काम की शुरुआत करते हैं, काम शुरू करते हैं अपना। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है अपना। आज गुलशन अरम जहाँ पे हमने काम करना था उसकी लाइट बंद है। तो आज आज हमने रेत बजरी ऊपर चढ़ानी है लेंटर डालने के लिए, तो माल चढ़ाने के लिए ये लोग आए हैं। आज मिस्त्रियों की सबकी छुट्टी करवा दी क्योंकि लाइट नहीं है, आज काम बंद है। तो चलते हैं काम शुरू करते हैं। फिर साजी बेचे लपर जा रहे हैं आज निकल आ बोल रहा हूं जेड़ा बढ़िया है और निकल गया है और निकल गया है और नहीं कटे जा रहे हैं। बेचे हमें मिल चुके हैं लेनी, बेचे हमें मिल चुके हैं। जिस बंदे के पास है उन्होंने संभाल कर रख लिए थे, तो हम उनके पास आए। वो उनकी डिमांड है कि और अपने कई बेलचे ले ले, ये अब उनकी बात हो रही है। इनका प्रोग्राम इनका प्रोग्राम बड़ा इसके बड़ा है। इसने बैर रख दिया था, बैर इसने बैर रखे थे, वो गार्ड ने उठा के अंदर रख लिए। उसने बोला 1.5 लीटर बोतल उठा दे सामान ले ले। मैंने कहा आपके बढ़ गया दाढ़ी के अंदर से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? डेढ़ सौ काटा गया, 180 रुपए काटे गए। हमारा काम शुरू हो चुका है, ये लोग लगे हुए हैं अपना माल चढ़ा रहे हैं। आज इन्हें हमने ठेका दिया था और आज देखेंगे बेईमान मजदूर जो है हमारा। ठेका लिया, ये सारे बेईमान मजदूर पीछे हट के बैठ गए हैं, कहते हमने काम नहीं करना। ये देखो ये सारी रेत बजरी ऊपर चढ़नी है, इनको समझाओ कुछ। ये लोग लगे क्या कर रहे हैं, इनको मैं पैसे कैसे दूंगा दिहाड़ी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। ये बेईमान मजदूरों के काम देख ले, वो मजदूर बेईमान सारा दिन दिहाड़ी पे लगे हो, सारा दिन इनसे 10 बोरे नहीं चढ़ते और सुबह काम कर रहे हैं और इन्होंने 70 बोरे रेत पे चढ़ा भी दी हूँ मैं। 70-80 बोरे रेत पे चढ़ा दी हूँ, लगा आधा काम कर चुके हैं और 12 बजे तक ये रेत बजरी चढ़ा कर फारग होंगे। ये ठेके का कमाल है, ये बेईमानी का कमाल है। ये सुबह सुबह नारा लगा कर आते ना, या बेईमानी है तेरा या सर। चाय भी आ चुकी है सुबह सुबह, चाय पीते हैं सुबह सुबह चाय। मैं अब फारिग हो गया हूँ, काम शुरू हो गया हुआ हमारा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। घर से जाके करके आओ भाई, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ।
मैं घर आया हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता तैयार हो रहा है। आइसल मैं तो खेल रही है, मैंने फ्रेश हुआ हूँ, नहा धोकर बैठा हूँ। आइसल मेरे पास बैठी हुई है। ये टाइम हमारा होता है आइसल के साथ खेलने का। आइसल हमारे साथ मस्तियाँ करती है। सुबह सुबह जब ये उठती है बहुत मस्तियाँ करती है माशाल्लाह। लेकिन सुबह सुबह बाबा के पास टाइम नहीं होता, इस वजह से बाबा खेल नहीं पाते हमारे साथ। नाश्ता तैयार हो चुका है तकरीबन। आज अंडा खाएंगे, अंडा पराठा खाएंगे हम। अंडा पराठा खाने के बाद काम पे चलेंगे। आज थर्सडे का दिन है, आज लेबर वगैरह को उनकी दिहाड़ियाँ देनी होती हैं, लेबर देनी होती है, मजदूरी देनी होती है। तो आज मैं मसरूफ़ होऊंगा ज़रा थोड़ा सा। बिजली का बिल भी जमा करवाने जाएंगे शाम को, फारिग होकर जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुलाकात होती है लोगों से फिर। आइजल क्या खा रही है? आइजल नाश्ता कर रही है। लेजी तो आइजल तो नाश्ता कर रही है। आइजल के बाबा ने नाश्ता कर लिया हुआ है। आइजल के बाबा अब काम पे जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि थर्सडे है और हमें लेबर की ज़रूरत है, लेबर देनी है, हमने पेपर देनी है। तो मैं एटीएम में आया हूँ कैश लेने के लिए। कैश नहीं था मेरे पास आज, तो कैश लेते हैं। कैश लेने के बाद चलेंगे काम पे, हमने पेपर देनी है। जुमे रात तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है, टाइम काफ़ी हो चुका है मेरा। तो उन्हें पेपर दे के फारिग करना है, फिर घर चलेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो उधर से मैंने पेमेंट निकलवा ली थी एटीएम से। तो मैं अब सिटी हाउसिंग आया हूँ ज़रा काम चेक करने के लिए। जुमे रात आई, लेबर वगैरह इन्हें भी देनी है सबको, इन्हें भी क्लियर करना है। तो मैं आज ज़रा इधर चक्कर लगाने के लिए आया हूँ। इधर सरिया बांध रहे हैं ऊपर छत पे। शटरिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। सरिया ऊपर बंध रहा है। तो इंशाल्लाह इतवार वाले दिन इसका लेंटर डलेगा, आपको वो भी दिखाएँगे हम क्या काम होता है इधर क्या नहीं। इधर ज़्यादातर मैं नहीं होता, इधर हाई साहब होते हैं हमारे बड़े, वो इन साइड्स को, इस साइड को वो संभालते हैं। मैं कभी कभी चक्कर लगाने के लिए आता होता हूँ, ज़्यादातर वही होते हैं इधर। और भी काम चल रहे हैं हमारे इधर माशाल्लाह। लेकिन मैं ज़्यादातर जो गुलशन रमोलास वगैरह इधर उधर जो बाहर की जो हैं कॉलोनी, मैं उनमें होता हूँ ज़्यादातर। हाई साहब जो हैं वो इधर सिटी हाउसिंग में होते हैं ज़्यादातर। तो चलते हैं अभी काम देखते हैं अपना। तो लेबर का टाइम हो गया, लेबर भी देनी है मैंने जुमेरात है। टाइम तकरीबन 4:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, जाकर लेबर देता हूँ मैं। फारिग होकर फिर घर चलूँगा। तो मिलते हैं लेबर। हमने मुंशी को अपने को पैसे दे दिए हैं, जो कि हमारा बेईमान मजदूर है। नया मुंशी रखा है मैंने इसे, मैंने पेमेंट क्लियर कर दी हुई है। अब घर जाने का टाइम है, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।